Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nissan 2015 model का गाड़ी है. ये 2015 model का गाड़ी है. इसको जो ये एक्सेलेंटर जैसा काम नहीं करता है, ऐसा तब 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 आवाज आता है. लेकिन इसको कोई इंजन का कोई लाइट नहीं है. ये इंजन का कोई लाइट नहीं है. ये इधर कोई मसाला शो नहीं हुआ. इधर देखो, ये कोई मसाला शो नहीं हुआ. इधर कुछ मुश्किल नहीं है. लेकिन ये जब गियर लगाएगा, ये जब गियर इधर रिवर्स में डाल दिया, अभी कुप 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 कुप, ये देखो आरपीएम किस तरह कर रहा है. आरपीएम ये इस तरह ऊपर नीचे आ रहा है. घर भी हिल रहा है. गुप 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 वापस आ रहा है भाई. वो ये गियर लगाते रिवर्स लगाओ. लेकिन बैरक ठेंक दी. अभी देखो बैरक में ठेंक दी, अब तो रिवर्स लगाओ. बैरक में ठेंक दिया, रिवर्स लगाओ. तो रिवर्स लगा, रिवर्स रिवर्स है दिए ना रिवर्स. अभी देखो ये इस सिलेंडर में घुस आवाज आ रहा है. घुस आ रहा है. अभी हम इसको ये पार्किंग में डालो. पार्किंग अभी ये हम लोग ये किस तरीके से चेक करेगा. ये एक एक कोयल निकल के चेक करेगा. सही तरह से पता नहीं चलेगा. सही ये सब कोयल इसको सही तरह से काम करता है. ये जो कोयल है ये इधर पार्किंग ये देखो, इसको एक एक कोयल ये ऐसा से चेक करेगा. ये इससे पूरा कोयल चेक करता है. ये पूरा कोयल इसको काम करता है. ये भी ये सही तरह से उधर भी चेक किया. ये पूरा काम करता है. लेकिन जब गियर लगाता है गुप 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 आवाज आता है, जैसा एक सिलेंडर काम नहीं करता है. इसको अभी हम लोग क्या करेगा, पावर बैलेंस चेक करेगा. ये पावर बैलेंस जो है, ये पावर बैलेंस चेक करेगा. इसको किस तरीके से ये पावर बैलेंस चेक करना चाहिए, पावर बैलेंस ये लांच कंप्यूटर से कैसे किस तरह चेक करना चाहिए. अभी हम लोग ये निशन में घुस जाएगा. और ओके ओके या मैनुअली और मिडल ईस्ट अबू धाबी. ये रहा पेट्रोल के लिए. ये पेट्रोल एटी, ये वाइसिस्टी क्यों है 2000 ये 11 में घुसता है. ये जाएगा अभी सिस्टम सिलेक्शन में जाएगा. सिस्टम सिलेक्शन इंजन में जाएगा. अभी जो जाएगा, अभी हमारे पास आ गया मॉडल इन्फॉर्मेशन, रेड फॉल कोड, क्लियर फॉल कोड, डाटा स्ट्रीम, एक्शन टेस्ट फंक्शन, टेस्ट स्पेशल फंक्शन. अभी हम जाएगा एक्शन टेस्ट पे. ये एक्शन टेस्ट में जाएगा. और ये रहा पावर बैलेंस है. पावर बैलेंस में जाएगा. अभी आएगा, इधर आएगा मोनिटरिंग डाटा, नो मोनिटरिंग डाटा. अभी हमको नो मोनिटरिंग डाटा में जाना चाहिए. नो मोनिटरिंग डाटा में गया. अभी जाएगा पावर बैलेंस. अभी इंजन डायगल स्पिन का इंजन का आरपीएम जो है 6. ये इंजन का स्पीड देखा रहा है 100, 1200, 1300, 625 ये देखा रहा है. और यह अभी हम लोग क्या करेगा, अभी हम लोग ये एक एक सिलेंडर जो है इसको चेक करेगा. इसको जो एक एक सिलेंडर है ये चेक करेगा. ये फर्स्ट टाइम ये हम ये चेक करेगा. ये फर्स्ट वाला सिलेंडर है. ये फर्स्ट वाला सिलेंडर में दिया. अभी देख रहे हैं 5 सेकंड का अंदर ये बंद करना चाहिए. 5 सेकंड 10 सेकंड का अंदर ये देखा. अभी इसको 6 ये आकर तक इसको 700 पहुँच सक जाएगा. ये 700 के ऊपर नहीं जाता है. ये 700 ये लास्ट 675
625 675 लास्ट 700 तक जाएगा ये, ये 675 के अंदर 675 तक जाता है, कभी कभी 700 तक जाएगा। अभी ये दूसरा चेक करेगा, रिसेट करेगा, रिसेट किया, ये बंद किया, सिलेंडर टू में जाएगा, ये रहा सिलेंडर टू है। ये अभी ये इंजन का मैचिंग थोड़ा फर्क भी है, लेकिन इधर बता रहे अभी ये 600 का अंदर, पूरा 700 का अंदर। अभी रिसेट किया, ये रिसेट किया, बंद किया, रिसेट का मतलब भी अभी बंद किया, अभी तीसरा सिलेंडर में जाएगा, ये रहा तीसरा सिलेंडर, ये तीसरा सिलेंडर जब ये मैचिंग कर रहा है, इंजन मैचिंग कर रहा है, इंजन का अवस्था होने का। अभी ये भी सेम है, 600 का ऊपर नहीं जाता, 700 है, 700 का ऊपर नहीं जाता है, ये 700 पूरा तरह से रिसेट किया। अभी 4 में जाएगा, नहीं तो 5 में जाएगा, ये 5 में गया, 5 में गया, 5 में गया, ये भी 700 थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 700 है। जब यह दूसरा में जाएगा, यह रिसेट किया, अभी बंद करेगा, रिसेट है, अभी 6 में जाएगा, ये सिक्स में जाएगा, अभी 6 में दिया, ये देखो, ये अभी 6 में उधर, ये 6 नंबर सिलेंडर जो है नज़र आया, 6 में दिया, ये देखो 762 737 725, ये बहुत तबात है, बहुत तबात है। इसका मतलब ये सिलेंडर नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम है, सिलेंडर नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए देखो 755। अभी ये रिसेट करेगा, ये रिसेट करेगा, अभी ये 8 सिलेंडर में देखा, सिलेंडर रेड में देखेगा, ये देखो सिलेंडर रेड में, अभी बाकी सिलेंडर का तरह सेम है, ये देखो 600 12 637 650 675 700, आखिर ये 700 तक आता है। देखो 725 730 मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा अक्तर फर्क रहेगा ये सिलेंडर का मसाला। अभी देखो ये भी उसको बाकी सिलेंडर का तरह सेम है, यह अभी हम फॉरवर्ड बैलेंस में चेक किया, वो 6 नंबर सिलेंडर में कोई मसाला है। जब यह देखना पड़ेगा, ये कोयल है, फलाक है, इसको सिलेंडर का कोई काम नहीं कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, सही करेगा, इस तरह से इसको मरीज पकड़ना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यह पावर बैलेंस में निशान वाला जो गाड़ी है, यह इस तरफ से चेक करके इसको सिलेंडर का जो मसला है यह पकड़ना चाहिए, कौन से सिलेंडर में फॉल है। अभी यह रिसेट किया, ये अभी सही है, अभी सेम जगह में आ गया। देखो अभी 625 है, लेकिन जब यह सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 में मुश्किल है, सिलेंडर 6 में यह इसको बढ़ता होता गया, इसको मतलब इसका अंदर को मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह अगले नया नया वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।